जी हाँ, आप देख रहे हैं खबरदार 9 बजे का वो शो जहां मिलती है पूरी खबर और पूरा विश्लेषण, साथ ही सोने का सिक्का जीतने का मौका भी। पहले बात आज के बुलेटिन की। आतंकी संगठन आईएस जिस तरह से भारतीय युवाओं को अपने चंगुल में ले रहा है, इसकी सनसनीखेज रिपोर्ट आज हम आपको दिखाएंगे। आतंकवाद के चंगुल में फंसने को बेकरार 150 युवा किस तरह सुरक्षा एजेंसी की नजर में है, इसका भी विश्लेषण करेंगे। कांग्रेस ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चौतरफा हमला बोला, राहुल गांधी से लेकर मनमोहन सिंह तक ने मोदी को निशाने पर लेकर कई सवाल खड़े किए, लेकिन कांग्रेस के इस हमले का मतलब है क्या, बताएंगे आपको। पटना के गांधी मैदान में कल नीतीश कुमार शपथ लेंगे, तो उनके मंत्रिमंडल में कौन कौन होगा, नए कैबिनेट का वो चेहरा आपको दिखाएंगे। और बात उस कर्नल की आखिरी विदाई की भी होगी जिसने देश के लिए जान दे दी, और आज जब उनके 5 साल के बेटे ने मुखाग्नि दी तो हर देखने वाले की आंखें भर आई। लेकिन पहले बात सातवें वेतन आयोग की कर लेते हैं। सरकारी कर्मचारियों की आज बड़ी खुशखबरी मिली है। जस्टिस एके माथुर ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट सौंप दी। रिपोर्ट में कर्मचारियों के मूल वेतन में 16% बढ़ोतरी की सिफारिश की गई है। इसके अलावा पूर्व कर्मचारियों की पेंशन में 24% बढ़ोतरी की भी सिफारिश की गई है। वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000, अधिकतम 2.25 लाख रुपए तय करने की सिफारिश की है। छठा वेतन आयोग 1 जनवरी 2006 से लागू हुआ था। उम्मीद है कि सातवें वेतन आयोग की जो सिफारिशें हैं वो 1 जनवरी 2016 से, यानी लगभग 1.5 महीने बाद से लागू हो जाएंगी। ऐसा माना जा रहा है कि वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद केंद्र सरकार पर 30,000 से 38,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। गौरतलब है कि 69 साल पहले 1946 में पहला वेतन आयोग बना था, उसमें 35 रुपए मूल वेतन तय किया गया था। The members of the commission, headed by Justice A.K. Mathur, a retired judge of the Supreme Court, has today just now submitted the seventh pay commission recommendations to me. The minimum pay which we have fixed, applying the accrued formula which has been suggested by the JCM, which we have accepted it, and the basic pay will start at 18,000. We have abolished the grade pay and pay band also. So, and that the total increase in the basic pay will be 14.27. The speculation of 15 was little off the mark. अगली खबर का रुख करते हैं। आतंकी संगठन आईएसआईएस का कहर भले सीरिया, इराक जैसे देशों में ज्यादा बरप रहा हो, लेकिन उसके चंगुल में भारतीय युवा भी आ रहे हैं। 150 से ज्यादा भारतीय युवा तो आईएस के संपर्क में आ भी चुके हैं। सवाल यही है कि कैसे आईएस भारतीय युवाओं के दिलों में आतंकवाद का जहर बोने में सफल हो रहा है। आतंकी संगठन आईएस से प्रभावित भारतीय युवाओं की तादाद 150 के पार पहुंच गई है, और ये दावा देश की सुरक्षा एजेंसियों का ही है। यानी गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 दिन पहले आईएस को लेकर जो आशंका जताई थी उसमें दम नजर आने लगा है। मैं समझता हूँ कि ये आईएस का खतरा केवल किसी एक देश का खतरा नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल एक चैलेंज है, और सभी देशों को मिलजुल कर इसका मुकाबला करने की जरूरत है, और भारत भी इस संबंध में पूरी तरह से सजग है। यूं तो कश्मीर में हर शुक्रवार को आईएस का झंडा लहराते युवा दिखाई देते हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने जिन 150 युवाओं की पहचान की है वो झंडा फहराने वाले युवा नहीं, बल्कि इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए जिहादी बनने की राह पर है। तो आपने फेसबुक पे कुछ पेजेस को लाइक किया, उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन आने लगा? हाँ। ये कब का सिलसिला है? 2014 मिड और स्टार्टिंग। और किस तरह के इन्फॉर्मेशन, किस तरह के वीडियोस आपको भेजते थे? इन्फॉर्मेशन वीडियोस वहाँ पे जो होता था, लेटेस्ट जो भी हो रहा था, वो चीज़ें उन लोग फेसबुक पे अपलोड करते थे। मैं उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू करा मैं उन लोगों वो देखने के बाद, और इंटरेस्ट उधर तरफ आ रहा था मेरा। सूत्रों के मुताबिक अब तक 23 भारतीय आईएस में शामिल हो चुके हैं। मुंबई का अरीब मजीद देश लौट चुका है और जेल में है। मुंबई के ही 3 और लड़के आईएस में है। ऑस्ट्रेलिया में रह रहा कश्मीरी, सिंगापुर और ओमान में रहने वाले 2 भारतीय और केरल का एक शख्स आईएस में है।
आईएस में शामिल 6 भारतीयों की मौत भी हो चुकी है। लेकिन सवाल आईएस में शामिल हो चुके युवाओं का नहीं, शामिल होने को तैयार युवाओं का है। और यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियां 150 से ज्यादा युवाओं की ऑनलाइन गतिविधि पर नजर रखें। इन युवाओं के देखे जाने वाले हर वीडियो, हर पोस्ट पर खुफिया एजेंसियों की नजर है। अगर ये युवा आईएस से संपर्क को लेकर आगे बढ़ते हैं तो परिवार को जानकारी दी जाएगी। जाहिर है, नेट के जरिए आईएस के संपर्क में आने वाले युवाओं की तादाद बढ़ रही है और यही सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती है। बगदादी की ब्रिगेड साइबर दुनिया में खुलेआम युवाओं को आकर्षित करने का खेल खेल रही है। खुफिया एजेंसी के मुताबिक भारत से आईएसआईएस के संपर्क में 150 युवा हैं। ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। भारतीय खुफिया एजेंसियां इस पर बड़े स्तर पर नजर रखे हुई हैं। हैदराबाद से टीएस सुधीर के साथ, दिल्ली से जितेंद्र सिंह आज तक। इस खतरे को जरा ठीक से समझिए। इंटरनेट पर, जी हां, इस कदर भड़काऊ सामग्री इस वक्त भी मौजूद है कि जरा से उकसाने पर युवा गलत राह पकड़ रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि तेलंगाना में 16 युवाओं को पुलिस आईएसआईएस के चंगुल से बचा चुकी है, यानी खतरा समझ से कहीं ज्यादा बड़ा है। जून 2007 को जब आतंकी कफील अहमद ने ग्लासगो एयरपोर्ट उड़ाने की नाकाम कोशिश की थी, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि शिक्षा से इंजीनियर कफील ब्रिटेन में नेट के जरिए जिहादी इस्लाम की तरफ बढ़ा और अकेले इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने निकल पड़ा। कफील की ही तरह अब कई भारतीय युवा बिना किसी आतंकी संगठन के सीधे संपर्क में आए आतंक की राह पर चलने का मन बना रहे हैं। अरीब मजीद और उसके 3 दोस्त भी नेट के जरिए आईएस के संपर्क में आए थे। अलम ये कि सिर्फ तेलंगाना से 16 युवाओं को सीरिया जाने से रोका जा चुका है। दरअसल इंटरनेट के जरिए आतंक की तरफ कदम बढ़ाने वाले इन युवाओं की ऑनलाइन गतिविधि पर नजर रख इन्हें रोका गया। इनके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं हुआ, अलबत्ता काउंसलिंग जरूर हुई। एंड सच पीपल हु आर आइडेंटिफाइड इंस्टेड ऑफ यू नो एक्चुअली मलाइनिंग देम, ट्राइंग टू पुट देयर पर्सपेक्टिव स्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ द लोकल एल्डर्स एज वेल एज थ्रू द फैमिली मेंबर्स। इस्लामिक स्टेट की दस्तक साफ तौर से दक्षिण भारत में सुनाई पड़ रही है। कथित रूप से हो रही बर्बरता से मुस्लिम समुदाय भी अछूता नहीं है और यही वजह है कि जिहादी शिकारियों के निशाने पर ऐसे युवक हैं जिनमें असंतोष पनप रहा है और ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। दरअसल इंटरनेट और सोशल मीडिया पर मौजूद जिहादी वीडियो और भड़काऊ कंटेंट युवाओं को गलत राह पर ढकेल रहे हैं और लोन वोल्फ सिंड्रोम से निपटना भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती है। खुफिया एजेंसियों की बोलचाल में कहे तो लोन वोल्फ उस शख्स को कहा जाता है जो अपना लक्ष्य खुद तय करता है और अपने संकल्प के साथ उस ऑपरेशन को अंजाम देता है। ये इस्लामिक स्टेट इस्लाम से नहीं है, उन लोगों इन लोग आउट ऑफ इस्लाम है, मेरे को ये चीज का इल्म बाद में हुआ। दरअसल इंटरनेट पर भड़काऊ भाषण सुनना या देखना कोई अपराध नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ऐसा कंटेंट कई युवाओं के मन में जहर घोल देता है। 150 से ज्यादा युवाओं पर सुरक्षा एजेंसियों के नजर रखने की बात सामने आने के बाद साफ है कि समस्या धीरे धीरे खासी बड़ी हो चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या तेजी से बदल रही नई तकनीक से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियां तैयार हैं। आशीष पांडे के साथ टीएस सुधीर, हैदराबाद आज तक। जहाँ तक याद याद आती रहेगी।